सोलन जिला के किसान पहले से ही टमाटर व शिमला मिर्च की पैदावार ना होने से परेशान थे और अब मक्की की फसल में भी कीड़ा लगना शुरू हो गया है। किसानों का कहना है कि पहले ही उनकी फसलों को सब्जी मंडी में उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से अब उनके द्वारा लगाई गई मक्की की फसल में भी कीड़ा लगना शुरू हो गया है। वहीं इस कीड़े से निजात पाने के लिए मिलने वाली दवाई काफी महंगी है, जिसे किसान खरीद नहीं सकते। किसानों ने सरकार से मांग की है कि इन कीटनाशक दवाइयों की कीमतों को कम किया जाए, ताकि उन्हें वे अपनी फसल को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा सकें। सर, मेरा नाम लेखराज जी है। जी देखो जी, एक तो टाइम से बारिश ना होने के कारण जी किसान बहुत ही चिंतित में है। समय से जी एक तो बारिश नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने देखो जी, हमने कुछ टमाटर शिमला मिर्च लगा रखी थी, वो ऐसे ही अब टाइम से बारिश नहीं हो पा रही जी, जो है सूखने लगी है जी। अब देखो जी, हमने मक्की लगा रखी थी, मक्की में देखो किसान के पास एक यही एक फसल होती थी जो जिसमें विदाउट खाद स्प्रे से जो किसानों को अपने जो घर का अनाज उत्पन्न होता था जी मक्की से। अब मक्की में देखो जी एक से एक बीमारी लग रही, कोई इसमें एक नई बीमारी इस बार ऐसी लगी है जी, जो हर एक मक्की में ऊपर से इसके जो किठड़ी लगी हुई है जी, इसमें सारी मक्की जो है जी सब इन्होंने कीड़ों ने इसको नष्ट कर लिया है जी। अब इतनी महंगी महंगी दवाई है जी, किसान किस किस के ऊपर जो है जी वो दवाइयाँ खरीदेगा जी। दवाइयाँ बहुत महंगी है जी, सरकार से मेरी गुजारिश है जी कुछ इसके बारे में जल्द जल्द कोई निर्णय ले। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।